हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है एजुकेशन इंजीनियरिंग, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर डाइवर्जन एंड चैनल क्रॉसिंग्स। वाटर फ्रॉम फार्म इरिगेशन चैनल इज डाइवर्टेड टू ब्रांच चैनल्स और इनटू फील्ड चैनल्स बाय मीन्स ऑफ जंक्शन बॉक्सेस एंड गेट्स एंड साइफन्स। These structures are used as water diversion structures or application structures for water allocation for irrigation channel of the fields. तो जो है farm irrigation channels को होते हैं उसको divert करना होता है हमको branch channels में या junctions में, छोटे छोटे channels में, field channels में, laterals में। तो इन सब चीज़ों के लिए हम पूरे के पूरे main channel को तो नहीं घुमा सकते हैं पूरे field में, तो मेन चैनल से हम एक डायवर्जन क्रिएट करते हैं और छोटे छोटे चैनल्स निकालते हैं, जिसके लिए हमको प्रॉपरली उस वाटर को फ्लो कराने के लिए कुछ स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फील्ड चैनल, मेन चैनल से फील्ड चैनल्स में हमको वाटर ले जाना है, तो जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल है लाइक जंक्शन बॉक्सेस, गेट्स, साइफंस। इन सभी स्ट्रक्चर्स के या फिर इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स के थ्रू हम जो है वाटर डाइवर्ट करते हैं किसी चैनल से। फर्स्ट है चेक गेट। चेक गेट इज स्ट्रक्चर यूज टू मेंटेन और इंक्रीज वाटर लेवल इन एन ओपन चैनल। चेक गेट्स का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूज होता है ओपन चैनल में वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए। चेक इज प्लेस्ड इन ए इरीगेशन चैनल टू फॉर्म एन एडजस्टेबल डैम टू कंट्रोल और राइज द एलिवेशन ऑफ वाटर सरफेस अपस्ट्रीम बाय एटलीस्ट अबाउट 8 to 12 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड सरफेस। चेक गेट को इसीलिए इरीगेशन चैनल्स में प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसका जो हेड है वो इंक्रीज किया जा सके अपस्ट्रीम साइड पर। तो अब अगर एक चैनल का आउटलेट सिंगल आउटलेट है तो उसको हम अगर क्लोज कर देंगे तो ऑब्वियस की बात है उसमें जो वाटर फ्लो तो होना ही है, फ्लो होकर आ ही रहा है, तो उसकी जो डेप्थ है मतलब अपस्ट्रीम साइड पे जो डेप्थ वाटर की वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि एटलीस्ट 8 से 12 सेंटीमीटर ग्राउंड सरफेस से इसको ऊपर की ओर वाटर लेवल है जो उसको ऊपर की ओर उठाया जा सके, मतलब डेप्थ को इंक्रीज किया जा सके वाटर फ्लो को। So as to use siphon tubes or turnouts or diversion, water diversion from channel to field efficiently. तो अब ये हेड तो इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हेड का तो कुछ तो यूज हम किया करेंगे ही फील्ड में, तो जो इंक्रीज हेड है उसी का हम यूज करके siphon tubes के थ्रू या turnouts के थ्रू हम water diversion करके fields में water ले जाते हैं। मतलब कोई एक मेन चैनल है उसमें चेक गेट लगा के हम उसके जो वाटर फ्लो के डेप्थ है उसको इंक्रीज कर दिए, हेड इंक्रीज कर दिए। अब उसके बाद हम उसमें साइफन ट्यूब के यूज करके वहाँ उस अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में वाटर को फ्लो कराएंगे। साइफन ट्यूब्स मतलब एक सिंपल ट्यूब होते हैं प्लास्टिक के, पीवीसी के, जिसमें साइफोनिक एक्शन के थ्रू वाटर फ्लो होता है। अब साइफोनिक एक्शन क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिस्कस करूंगा डिटेल में, इसको भी रहने देते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर में शो हो रहा है एक वाटर गेट जिसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए एक स्क्रू टाइप का फॉर्मेशन दिया होता है जिससे कि इस गेट को लिफ्ट किया जा सके। ये पोर्शन है गेट और यहाँ पे स्क्रू फॉर्मेशन दिया होता है, पूरे रॉड में स्क्रू बना होता है, स्क्रू ग्रूव्स होने होते हैं जिसको घुमा के गेट को ऊपर किया जाता है और नीचे किया जाता है, मतलब अप और डाउन इस स्क्रू वाले रॉड के हेल्प से ही किया जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म गेट का, तो इसको एक नेचुरल चैनल में, अनलैंड चैनल में यहाँ पे लगाया गया है चेक गेट को।
ताकि अपस्ट्रीम साइड पे जो वाटर हेड है वो थोड़ा बढ़ सके। ठीक, देयर मे और मे नॉट बी फ्लो पास्ट ए चेक, व्हेन देयर इज नो फ्लो पास्ट डैम, चेक एक्ट एज डैम दैट कन्फाइन वाटर रिलीज इन एरिया अलोंग द कैनापर डिच बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चेक गेट से ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर फ्लो हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर कोई फ्लो चेक गेट से पास नहीं कर रहा है तो वो वहाँ पे कन्फाइंड वाटर रिलीज करेगा उस फील्ड में, मतलब सीपेज होगा वहाँ पे, जो ग्राउंड वाटर है वो भी इंक्रीज होगा उसके थ्रू, डीप परकोलेशन होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा सॉइल में। तो ये सब चीज़ें भी इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं चेक गेट यूज करने का। परमानेंट चेक कैन बी यूज्ड इन आइदर लाइंड और अनलाइंड चैनल। तो ये पोर्टेबल सेक्शन है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम इस इमेज में ये वुडन स्ट्रक्चर पे लगा हुआ है, तो ये पोर्टेबल टाइप का है। और जो परमानेंट चेक डैम्स होते हैं वो मैसनरी स्ट्रक्चर में क्रिएट किया जाता है। चेक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ कैनवास, मेटल और मैसनरी वॉल्स बिल्ट अक्रॉस द चैनल एंड प्रोवाइड विद सुटेबल गेट और आउटलेट डिवाइस। तो यही पोर्शन है, यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो या लकड़ी से बनाया जा सकता है या सीमेंट कंक्रीट से या ब्रिक मैसनरी से भी बनाया जा सकता है, और उसमें एक गेट लगा दिया जाता है जो कि पूरा वाटर को एक छोटा सा आउटलेट प्रोवाइड करता है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर जो इंक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट है पोर्टेबल चेक डैम्स। पोर्टेबल चेक कैन बी रिमूव्ड व्हेन इरिगेशन इज कंप्लीट एंड रेस्ट एट अनदर लोकेशन अलोंग द कैनल और ओपन चैनल टू इरिगेट अनदर एरिया। तो पोर्टेबल चेक डैम्स के फायदा यही है कि ये पोर्टेबल, इनको आसानी से एक जगह दूसरे जगह तक इंस्टॉल किया जा सकता है। तो अब कोई ओपन चैनल है उसमें हमको किसी एक जगह पे इरिगेशन करना है तो हम वहाँ पे पोर्टेबल चेक डैम्स को इंस्टॉल किए, और वहाँ का काम खत्म होने के बाद हम उस चेक डैम को वहाँ से रिमूव करके हम दूसरे जगह पर जा सकते हैं जहाँ पे हमको इरिगेशन करना है। दे आर यूज वेन द वाटर लेवल इन कैनाल एंड डिचेस मस्ट बी रेस्ड अबव द नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो टू प्रोवाइड हेड फॉर ऑपरेटिंग आउटलेट्स। इसका भी सेम फंक्शनिंग होता है, इसका भी यूज इसलिए किया जाता है ताकि डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो कैनाल या डिचेस में बढ़ाया जा सके, और इसके थ्रू हमको एक सफिशियंट डेप्थ मिल सके कुछ और इंस्ट्रूमेंट यूज करने के, जैसे कि साइफन ट्यूब। पोर्टेबल चेक डैम्स आर मेड ऑफ स्टील मेटल और प्लास्टिक शीट और कैनवास। पोर्टेबल चेक डैम जो है वो स्टील मेटल के हो सकते हैं, प्लास्टिक शीट के भी बने होते हैं और या फिर कैनवास के भी बने होते हैं। कैनवास और प्लास्टिक डैम्स सपोर्टेड ऑन ए पाइप और वुडन क्रॉस बार विथ सुटेबल लूप्स। तो कैनवास और प्लास्टिक डैम जो होता है वो पाइप और वुडन क्रॉस बार से सपोर्टेड होते हैं। ए लूप इज यूजुअली प्रोवाइडेड एट द बॉटम टू एंकर द डैम टू ए स्मॉल पोस्ट। एक लूप जो है वो प्रोवाइड किया जाता है बॉटम में, एंकर बॉटम में, और स्मॉल पोस्ट फॉर्म करता है, मतलब स्मॉल पोस्ट पे इंस्टॉल किया जाता है। स्लीव मेड नियर द बॉटम ऑफ द कैनवास डैम अलाउस एनी डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू पास डाउन स्ट्रीम। तो एक स्लीव मतलब एक पैसेज दिया जाता है पोर्टेबल चेक डैम्स के लिए ताकि वहाँ पे कॉन्स्टेंट लेवल जो है वो मेंटेन रखा जा सके अपस्ट्रीम साइड पर, मतलब ये एक हद तक वाटर लेवल इंक्रीज करेगा लेकिन उससे ज़्यादा होने पर ये नॉर्मल फ्लो को जो है अपने ऊपर से या अपने एक तो जो पोर्शन दिया जाता है स्लीव उससे फ्लो होकर जो डेप्थ है वो नॉर्मल मेंटेन रहे, कॉन्स्टेंट मेंटेन रहे इंक्रीज होने के बाद। In very hard soil, it may necessary to make grooves with the shovel to insert the edge. Hard soil में इसके edges को fit करने के लिए एक stability देने के लिए
एक गड्ढा सा या थोड़ा क्रिएट करके इसको फिट किया जाता है, वहां पर बैठाया जाता है किसी ओपन चैनल में। तो ये यूज करने के बाद इरिगेशन चैनल से रिमूव कर दी जाती है और इनको प्रॉपरली वॉश करके धो के इनको स्टोर किया जा सकता है और नेक्स्ट सीजन में फिर से यूज किया जा सकता है। मेटल शीट ऑफ अबाउट 18 गेज माइल्ड स्टील इज कट टू सूट द चैनल क्रॉस सेक्शन एंड ड्रिवन अबाउट 10 सेंटीमीटर डीप। तो 18 गेज का मेटल शीट यहाँ पे यूज किया जाता है और 10 सेंटीमीटर डीप इसको इंस्टॉल किया जाता है इस सॉइल में। देन नेक्स्ट है टर्नआउट। टर्नआउट्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द बैंक ऑफ कैनाल टू डाइवर्ट पार्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द कैनाल एंड रीचेस टू बेसिन बॉर्डर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेटर्स। टर्नआउट जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू हम चैनल से वाटर को लिफ्ट करके अपने फील्ड में लाते हैं। फील्ड डिचेस में, बेसिन में, बॉर्डर्स में, ये सब हैं इरिगेशन सिस्टम के एग्जांपल्स। इसके बारे में आगे पढ़े हैं। या डिस्ट्रीब्यूशन लैटरल्स में हम वाटर प्रोवाइड करते हैं थ्रू टर्नआउट्स। टर्नआउट्स कैन बी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर और पाइप स्ट्रक्चर। टर्नआउट में हैव फिक्स्ड ओपनिंग इन द साइड एंड इक्विप्ड विद डिवाइस टू कंट्रोल द एरिया ऑफ ओपनिंग। तो इसका जो ओपनिंग होता है फिक्स होता है और इसके ओपनिंग साइज को हम कंट्रोल कर सकते हैं विथ डिवाइस विच इज अटैच टू टर्नआउट। दे यूजुअली हैव रिमूवेबल फ्लैश बोर्ड और सर्कुलर और रेक्टेंगुलर स्लाइड गेट टू रेगुलेट फ्लो। ड्रॉप गेट, ओपन गेट सिमिलर टू ड्रॉप ओपन चेक्स आर यूटिलाइज इन सेमी ऑटोमेटिक टर्नआउट्स। टर्नआउट कॉमनली यूज इन मेटल पाइप with slide gate on the inlet. The orifice flow formula is commonly used to determine capacity of turnout. Orifice formula हम पहले lecture में देख चुके हैं, इसी के उसी formula के थ्रू हम turnouts का भी capacity जो है निकालते हैं। Then next siphon tubes. तो siphon tubes का है, पहले थोड़ा सा आपको बताया था कि ये plastic के tubes होते हैं, थोड़े flexible होते हैं और siphonic action के थ्रू इसमें से वाटर अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में आता है। तो साइफोनिक ट्यूब्स आर कर्व्ड प्लास्टिक रबर और एल्युमिनियम पाइप्स दैट आर लेड ओवर द बैंक ऑफ डिलीवरी चैनल टू डिलीवर वाटर टू बॉर्डर्स एंड फर्रोस। तो ये चैनल के अप स्ट्रीम साइड पे इंस्टॉल किया जाता है और हाई सरफेस से लो सरफेस लो एलिवेशन वाले पोर्शन पे वाटर फ्लो कराता है। The siphon tubes are completely filled and dipped in water. Water flow into the tube is pulled, siphoned over the bank of the delivery channel. तो ये siphonic action यहाँ पे create होता है जिसकी वजह से tube में water flow होता है। ये चीजें आप लोगों ने कभी life में practically की होंगी, जैसे कि एक pipe है उसको हम एक tank में जो कि हाई हेड पे है उसके उसमें पाइप डाल के हम मुंह से खींचते हैं और पाइप से जो है वो कंटिन्यूस फ्लो आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो अब थोड़ा सा एलिवेशन उसका ऊपर रहता है टैंक का और हम पाइप को छोड़ भी तो भी उसमें से फ्लो स्टार्ट रहता है। तो यही चीज होती है साइफन ट्यूब्स में, सेम कंडीशन अप्लाई होता है, सेम चीजें अप्लाई होती है साइफन ट्यूब्स के लिए भी। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइफोनिक एक्शन का वो भी। Tube is properly positioned and full water time for a free flowing tube. The effective operational head is difference elevation between water surface at the tube entrance and the center of its outlet. यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है कि जो inlet और outlet के बीच में siphon tubes के working होने के लिए inlet और outlet के बीच में elevation difference होना चाहिए, तब ये work करता है सही तरीके से। और जो इनलेट का पोर्शन है साइफन ट्यूब का वो प्रॉपरली सबमर्ज होना चाहिए वाटर में। साइफन ट्यूब्स आर अवेलेबल इन डायमीटर रेंजिंग बिटवीन 13 टू 150 mm एंड द लेंथ ऑफ 1.2 टू 3 मीटर।
The discharge of siphon tube depends on its diameter, length, inside roughness of number of degree and bends and the operating head. तो इन सब चीजों पे इसका जो discharge है वो depend करेगा. तो siphon tubes का जो discharge है वो calculate किया जाता है 2 = 0.6 × 10³ a√2gh इस formula से. यहाँ पे Q है discharge from siphon tube liter per second, A है internal area of cross section of tube centimeter square, G है acceleration due to gravity centimeter per second square, H है effective head causing flow, मतलब upstream side पे जो flow है, जो head है सर, upstream side पे जो head है, जिसकी वजह से flow हो रहा है, वो चीज है H head. तो इस image में देखिए, बहुत सारी siphon tubes जो हैं वो एक ओपन चैनल से लेंथ वाइज में अटैच की गई है फील्ड से, फील्ड में वाटर फ्लो कराने के लिए. तो ये जो प्लास्टिक ट्यूब्स दिख रहे हैं वही है साइफन ट्यूब. इनकी वजह से ही यहाँ पे इस अपर पोर्शन से लोअर पोर्शन में वाटर फ्लो होके आ रहा है चैनल्स में. ये देखो कितने सारे ट्यूब्स बने हुए यहाँ पे. तो ये होता है एग्जाम्पल साइफन ट्यूब. नेक्स्ट है फ्लूम्स. तो फ्लूम्स के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, फ्लूम्स ऑर्फिस ये सब चीजें. कलवर्ट्स को देख लेते हैं. एक कलवर्ट इज अ ड्रेन और पाइप दैट अलाउज वाटर टू फ्लो अंडर ए रोड. मतलब अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम समझ लीजिए कि एक रोड से कम चौड़ाई का जो सीमेंटेड पाइप या फिर ओपन कंडीशन में जो है वो किस रोड के नीचे से वाटर का एक फ्लो होकर एक साइड से दूसरे साइड में जाता है. इसको नेचुरली आप कहीं पे भी देख सकते हैं. अबाउट 45 सेंटीमीटर सॉइल कवर इज डिजायर्ड अबाउट द कलवर्ट पाइप. द पाइप यूज एज कलवर्ट हैज सिंपल फंक्शन प्रोवाइडिंग पैसेज फॉर वाटर अंडरनीथ द पाथ. तो वो एक सिंपल पाइप जो कंक्रीट का या पीवीसी का इस कोई भी चीज़ में होटल का यूज़ कर सकते हैं इसमें, और उसके ऊपर में बैक फिलिंग दी जाती है 45 सेंटीमीटर का सॉइल कवर दिया जाता है ताकि वो सफिशिएंटली वर्क कर सके और उसमें जो डिस्ट्रक्शन ना हो लोड की वजह से, या ऊपर में जो कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं रोड में इसकी वजह से कुछ डिस्ट्रक्शन ना हो उस पाइप में. पाइप फ्लो will occur under most condition when the slope of culvert is less than the natural slope and entrance capacity is not limited. ये फॉर्मूला हमारे यूज करने हैं, हमको सिर्फ जानना है कि कलवर्ट छोटा कैसा. तो ये इस इमेज में देखिए यहाँ पे बहुत सारे पाइप जो हैं वो रोड के नीचे लगाए हुए हैं कि नेचुरल स्ट्रीम नेचुरल चैनल टू वाटर को फ्लो को एक एक जगह से दूसरे जगह दूसरे साइड पे ले जाने के लिए. मतलब जो नेचुरल स्ट्रीम वाटर फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो इस वजह, और रोड भी हमको बनाना है तो इस कंडीशन में हम कलवर्ट्स का यूज़ करते हैं जहाँ पे हम डैम नहीं बना सकते और ज़्यादा हेड नहीं है यहाँ पे इसी जगह पे. देन नेक्स्ट है इन्वर्टेड साइफन. इन्वर्टेड साइफन से ही क्लियर है कि ये साइफन ट्यूब का उल्टा होगा. मतलब उल्टा कैसा, ये साइफन जो है वो अप साइड से डाउन साइड में लेके आता वाटर को, तो इन्वर्टेड साइफन डाउन साइड से अप साइड में लेके जाएगा वाटर को. तो ये इस कंस्ट्रक्टेड व्हेन अ चैनल हैज टू क्रॉस ए वाइड डिप्रेशन और वेयर द रोड सरफेस लाइज क्लोज टू द फील्ड सरफेस. इट हैज एन इनलेट एंड आउटलेट टैंक कनेक्टेड टूगेदर एट देयर बॉटम बाई ए पाइप. तो इसमें क्या रहता है, इनलेट और आउटलेट पोर्शन एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड रहता है. A check gate is used at the inlet end to control the water surface level in the upstream channel. तो इसमें भी check gate use किया जाता है ताकि inlet side में water head जो है वो बढ़ाया जा सके 15-20 सेंटीमीटर तक ऊपर किया जा सके head. तो okay guys, आज के लिए बस इतना ही.